सर, नीतीश कुमार मिश्रा जी सर और हमारे बीच सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की शाखा प्रबंधक श्री रश्मि रानी जी है। साथ ही हमारे बीच उपस्थित तमाम अभिभावकगण, छात्र छात्राओं, आज शिक्षा विभाग के बारे में हम लोगों ने बहुत सारी चीजों को देखा, जाना, समझा। प्रस्तुति के माध्यम से, बहुत सारे वक्तव्यों के माध्यम से तमाम चीजों को जानने का प्रयत्न किया। यानी कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार की चूक तो हमारी शिक्षा विभाग में जरूर थी और संभवतः कुछ हद तक हम उसको छुटकारा पाने की कोशिश में लगे हुए हैं। फिर भी कुछ न कुछ कमी बाकी है, जिसका कारण है कि आज हम शिक्षा में तमाम राज्यों में, तमाम केंद्र शासित प्रदेशों में, तमाम में हमारा स्तर अभी भी निम्न है, सबसे पीछे है। आखिर कहीं ना कहीं तो चूक है, किसी न किसी प्रकार की जो योजनाएं लागू की जाती हैं, संभवतः मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि हम उसको धरातल पर लागू नहीं कर पाते। आज सरकार चाहती है कि हर एक बच्चा स्कूल जाए, और संभवतः मुझे यह कहते हुए बहुत अच्छा भी लग रहा है कि सरकार ने बहुत हद तक यह कामयाबी हासिल कर लिया है कि बच्चे अब स्कूल आ रहे हैं। सबसे पहला मोटिव बच्चे को स्कूल तक लाना, और संभवतः अब इसमें कामयाबी मिल चुकी है। क्योंकि जो जिस माहौल से और जिस सोच से हम लोग गुजर रहे थे, वहां पे शिक्षा की महत्व को कोई महत्व नहीं दिया जाता था। लड़कियों की शिक्षा की कोई महत्व नहीं थी, क्या पढ़ के क्या करोगे, नाटक के माध्यम से नहीं आपने देखा और समझा। लेकिन अब सरकार तमाम बच्चे को स्कूल तक पहुंचाती है। अब गार्जियन को एक रुपया खर्च करने की जरूरत नहीं होती है, मिड डे मील से लेकर, पोशाक से लेकर, पुस्तक वितरण से लेकर तमाम प्रकार की सुविधाएं प्रदान करती है। वर्तमान में जहां पढ़ रहे हैं उसके लिए विभिन्न योजनाएं, आप स्कूल कैसे जाएंगे उसके लिए विभिन्न योजनाएं, आप मैट्रिक पास करने के बाद, इंटर पास करने के बाद, स्नातक डिग्री लेने के बाद भी आप आगे पढ़े, इसके लिए सरकार विभिन्न प्रकार की योजनाओं को लेकर आई है। इस योजनाओं में जो पहला नाम है वह मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना। मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना यूं कहें तो बिहार में शिक्षा का रिवोल्यूशन लाने में सबसे अहम भूमिका निभाई है। आज बच्चे की सबसे बड़ी समस्या थी, खासकर लड़कियों की, वह स्कूल कैसे जाए, कंडीशंस खराब है, रास्ते सही नहीं है, रास्ते में विभिन्न प्रकार के लोग मिलेंगे। नाटक में भी आपने देखा कि जब बच्ची पढ़ने जा रही थी तो कुछ मंचनों ने उनको कहा विभिन्न प्रकार की बातें। ये सुरक्षा बहुत बड़ी एक दुविधा थी, और बच्चों को स्कूल तक पहुंचाने के लिए सरकार ने क्या किया, तो एक योजना ने किया जिसका नाम दिया उन्होंने मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना। इस योजना के तहत नौवीं वर्ग में पढ़ने वाले तमाम बच्चों को, जो बिहार में उसमें है, तमाम बच्चों को 3,000 रुपया प्रतिवर्ष साइकिल खरीदने के लिए प्रदान की जाती है, उनके खातों में, उनके गार्जियन के खातों में हस्तांतरित की जाती है, और बच्चे इसका लाभ भी ले रहे हैं। और आप एक समय ऐसा था जहां पे लड़कियों को यूं समझा जाता था कि आपने जन्म लिया है तो बस घर का काम करो, बाहर क्या करोगी जाके, कौन सा एसपी डीएसपी बन जाएगी तुम, जिसका जीवंत उदाहरण हमारी मैम रश्मि रानी जी आपके बीच स्टेज पे बैठी हुई है। एक बार जोर में ताली उनके लिए हो जाए। अगर यही सोच लेकर के आज मैम जी और इनके परिवार के लोग भी चलते तो आज ये मैम आपके बीच गणमान्य व्यक्तियों के बीच में नहीं बैठी रहती। सोच बदला है, और इसमें आम भूमिका ये योजना का है, जिसमें छात्र और छात्रा दोनों के लिए प्रतिवर्ष 3,000 रुपया नौवीं पढ़ने वाले छात्र को प्रदान किया जाता है ताकि वह साइकिल खरीद सके और स्वसमय स्कूल आ सके। दूसरी योजना किशोरी, मुख्यमंत्री किशोरी स्वास्थ्य कार्यक्रम योजना। सरकार ने ये योजना लाई है बच्चों के लिए, उनके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए, और उनकी स्वास्थ्य रूपी जो भी समस्याएं उनके होती हैं, इंटरनल किसी प्रकार की कोई दुविधा होती है, उसके लिए
सातवीं से बारहवीं तक पढ़ने वाली छात्राओं के खाते में प्रतिवर्ष 300 रुपया विभाग द्वारा उनके खाते में हस्तांतरित की जाती है। आपको जरूर इस तमाम योजनाओं की जानकारी होनी चाहिए। सरकार का इसके पीछे का जो मोटिव है उसको भी समझना जरूरी है। इसके साथ ही आज बालिका को प्रोत्साहन करने के लिए आज बहुत बड़ी समस्या हमारे समाज में है कि मैट्रिक पास करो बस लड़का ढूंढो लड़की के लिए शादी करो मायके जाएगी अपना ससुराल में काम करेंगी। इससे आगे का सोच बहुत कम है, बहुत कम। लेकिन अब यह सोच बदलने का प्रयास में सरकार की यह योजना बहुत अहम भूमिका निभाती है। गार्जियन अगर जब भी कहते हैं कि तुम अब ये हम पढ़ा नहीं पाएंगे तो बच्ची बड़ा गर्व से आगे आती है, कहती है आप टेंशन न ले, सरकार मेरे साथ है। क्योंकि सरकार की ये योजना जो है बालिका प्रोत्साहन प्रोत्साहित करने की आवश्यकता बहुत है। आज माध्यमिक स्तर पर दसवीं की परीक्षा पास करने वाले तमाम सभी कोटि के छात्रों को प्रथम श्रेणी लाने पर जो बालिका है उनको 10,000 रुपया प्रदान की जाती है और दूसरी श्रेणी लाने वाली एससी एसटी जनजाति अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की छात्राओं को 8,000 रुपया दिया जाता है। इससे बच्चों में आगे बढ़ने के लिए, अच्छा ये राशि क्यों दी जाती है, आगे की पढ़ाई जारी रखने के लिए। ऐसा नहीं कि आपने मैट्रिक कर लिया तो जाओ ड्रेस खरीद लो 10,000 रुपया दे रहे हैं, इसके लिए नहीं। आप आगे इंटर में एडमिशन ले, आपको अप्लाई में जो पैसा लगेगा हम दे रहे हैं, हम दे रहे हैं। यह हमारे सरकार कह रहे हैं कि हम 10,000 दे रहे हैं तुमको, तुमको 8,000 दे रहे, द्वितीय श्रेणी दिलाओ फिर भी देंगे तुमको 8,000 देंगे, तुम अपना पढ़ाई जारी रखो। इसके अलावा जब आप इंटरमीडिएट की परीक्षा पास करते हैं या उसके समकक्ष बिहार संस्कृत बोर्ड से पास करते हो या आप मदरसा बोर्ड से पास करते हो, उसमें भी सरकार 2022 तक जो है 10,000 रुपया प्रदान करती थी, अब सरकार उसको